कोविड-19 महामारी ने ना जाने कितने परिवारों को मानसिक रूप से बीमार कर दिया है। बात अगर वर्तमान समय की जाए तो सरकार ने अपने अपने आय के लगभग सभी रास्ते खोल लिए हैं, लेकिन बात अगर आम आदमी की करें तो उनके एक नहीं अनेकों समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज इस आपदा के समय बात अगर शिक्षक जगत की जाए तो आज ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चों को तो छोड़िए, उनके अभिभावकों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कारण ये है कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी मनमानी वसूली के नोटिस, फीस ना जमा करने पर बच्चों के नाम स्कूल से हटाने की धमकी, इन सभी समस्याओं को लेकर आज कानपुर के शास्त्री चौक पर उत्तर प्रदेश अभिभावक मंच के बैनर तले आज संयोजक व पूर्व पार्षद मनीष शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों अभिभावक आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जनता भूखी प्यासी है, इस गले की फांसी है। जनता भूखी प्यासी है, इस गले की फांसी है। जनता ये हम लोगों की एक मांग, कोरोना काल में जो लॉकडाउन में स्कूल बंद रहे और जो शिक्षा का स्वरूप बदला है, ऑनलाइन शिक्षा इस समय हो रही है, इसको लेकर के पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में अभिभावक जो है जगह जगह पर, ऐसा कोई शासन प्रशासन का दरवाज़ा नहीं बचा, जनप्रतिनिधि नहीं बचे, विपक्ष सत्ता नहीं बची, विपक्ष भी नहीं बचा, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं बचा जहां हम लोग नहीं गए। गाजियाबाद में महिलाएं जो हैं 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हैं, मगर शासन प्रशासन कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं, सरकार सुनने को तैयार नहीं। हमारी एक छोटी सी मांग है, लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद रहा तो स्कूल अपनी फीस क्यों मांग रहे हैं, और जब शिक्षण का स्वरूप बदला है, शिक्षा का ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, शुल्क उस हिसाब से लिया जाए जैसी शिक्षा इस समय हो रही है, क्योंकि कोरोना काल में मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ये वो वर्ग है जिसने कभी सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखी, सरकार आपदा का समय मान रही है, 70% लोगों को देश में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, फीस के नाम पर अगर मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल जाए, लोकतंत्र में संविधान में विश्वास रखने वाला वर्ग है, चाहे निम्न मध्यम वर्ग हो चाहे उच्च मध्यम वर्ग हो, दोनों वर्ग इस समय परेशान है। सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो रही है, जो छोटे स्कूल हैं वो बंद हैं, और जो बड़े स्कूल हैं जहाँ खुले भी हुए हैं वहाँ जब शिक्षण का स्वरूप बदल गया है, ऑनलाइन परीक्षा से बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, कानपुर में अभिभावक फीस देने के दबाव में पति पत्नी आत्महत्या कर लेते हैं, कोई जनप्रतिनिधि शासन का कोई नुमाइंदा वहाँ झांकने नहीं जाता, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, एक पति अपनी पत्नी की बीएड की फीस नहीं दे पाता है, स्कूल FIR की धमकी देता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं, एक बच्ची ऑनलाइन पढ़ाई में जब कुछ समझ में नहीं आता है वो दबाव में आत्महत्या कर लेती है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के सारे नुमाइंदों से जो लोकतंत्र में जिम्मेदार बैठे हैं, उन जिम्मेदारों से कि 6-6 दिन से महिलाएं विपक्ष जैसा क्यों व्यवहार हो रहा है अभिभावकों के साथ, अभिभावकों के साथ लोकतंत्र में जनता अपने सुनवाई के लिए सरकार को चुनती है, मगर सरकार इस समय चाहे स्कूल संचालक हों और सरकार हो, संवेदनहीन हो चुके हैं वर्तमान में। हम लोग मिलाकर के 3 लोग और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और ये आंदोलन दिनों दिन बढ़ेगा, क्योंकि आवाज़ जो है हम फिर से कह रहे हैं, जो गाजियाबाद में बैठे पेरेंट्स की मांग है हम उनके समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं, मांग हमारी भी वही है कि ऑनलाइन शिक्षण शुल्क का रूप बदला जाए, 3 महीने की फीस न ली जाए, और सरकार को इस पर विश्वास करना पड़ेगा, ऑनलाइन कक्षाओं से जिन बच्चों के नाम हटाए जा रहे हैं उनके तत्काल जोड़े जाए, दबाव देना अभिभावकों को बंद किया जाए। लोकतंत्र में क्या सब कुछ कोर्ट तय करेगा, तो संविधान में अगर सब कुछ न्यायालय के द्वारा तय होगा तो सरकारों का और चुनाव का मतलब क्या है, जनता से अनावश्यक बोझ हटाया जाए, चुनाव बंद कराया जाए।